वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने, अररिया का काली मंदिर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत नामी मंदिर है, एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। हम जब जीत होने वाला था तो हम लोगों ने प्रे किया था कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो आज हम लोग जा रहे हैं वहीं पूजा करने, क्योंकि जीत कल 4 मंथ का हो जाएगा और कल थोड़ी बिजी थी मैं, इसलिए आज ही हम लोग जाकर पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के लिए निकल चुके हैं गाड़ी में। ये हमारा कॉलोनी है। ये हम लोगों का मार्केट है। जगह का क्या नाम है? पटेल चौक, राइट? ये पटेल चौक है और इससे आगे बगीचा चौक है जहाँ हम लोगों का स्टोर है, स्टोर प्लस रेस्टोरेंट। आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, ये हमारा किस चीज का रेस्टोरेंट है। शॉप से और चल रहे हैं अररिया पूजा करने के लिए। तो आप लोग भी हम लोगों के साथ चलिए और पूजा कीजिए, वहीं से प्रणाम कर लीजिएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज चौक और यहाँ पे ढाला है और यहाँ पे जाम लगी हुई है। अभी हम लोग सीधा हाईवे पे चढ़ेंगे। यहाँ से अररिया की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है और देखते हैं कितना देर में हम लोग पहुँचते हैं। ये हाईवे है जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहलाता है इंडिया का। हाईवे पे अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से सीधा चलना है, बीच में एक टोल टैक्स आता है जो कि अररिया के पास ही है। वो साइड का व्यू कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। हमारे कार के बाहर छिपकली है।
जब से इसकी मासी आई है ये अपनी मासी के साथ ही चिपका रहता है, पूरा दिन मासी के पास, परेशान करके रख देता है मासी को भी। तो हम लोग मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। इधर कुछ शॉप्स है जहाँ पे फूल माला जो भी पूजा करने की सामग्री है वो मिलती है। तो पहले हम लोग पैर हाथ धो लेते हैं, फिर यहाँ से पूजा की सामग्री लेते हैं। यहाँ 12 है।
पूजा हो गया है, हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। अररिया से अभी हम लोग पूजा करके रिटर्न फॉरबिसगंज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी घर पहुंच चुके हैं और जीत आज बहुत परेशान किया। जीत, कुछ बोलना है? बहुत बदमाशी करता है। जब घर पहुंचा है तो अभी इसे हंसी आ रही है, पूरे रास्ता बहुत रोया। तो हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।